आशा के मोती चैनल में आज मैं आपको कार्तिक माह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक स्नान की कथा। कार्तिक स्नान में कार्तिक स्नान कथा का महत्व बहुत अधिक माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उस मनुष्य को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान कथा। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक मास का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान कृष्ण उनके लिए खिचड़ी रखे। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वह भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें दो फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती तो अभी भी यही तक कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से नहीं बात करते तो इस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं और तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ ले गया और रानी ने सूंघा, दो पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। तारा भोजन की कहानी। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्लू में पिलवा देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट कर गलियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कुट देखा तो कोई नहीं था, 4th कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है।
उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ अब मैं चलूंगी, और सभी को विमान में बिठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है। दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आई। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग लोक सबको प्राप्त। कार्तिक माह में 8वीं बार की कथा। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला भगवान मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी, उसने कहा अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला राम मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का वेश बना कर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 बारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 8 बारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। पटे से कपड़े पहन बेटी के जहाँ गया तो बच्चे बोले माँ नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना आए हैं 2 दिन की मुफ्त रोटियाँ तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 8 बारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुँह जूठा है और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आया तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों का आसरा भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसनों ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है तो ये इतना सामान तुम बांट रही हो, ये कहां से आया है। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 बारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 बारों की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 बारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके भी घर में अटूट भंडार हो गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 बारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले सुनने वालों के भी भंडार भर जाएं।